हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को दर्शाता है? वह समाज जिसमें लोगों को सामाजिक पुरस्कार प्राप्य नहीं होता है, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है और सामाजिक समूहों को धन और प्रतिष्ठा सामान्य रूप से प्राप्य नहीं है, सामाजिक समूहों को राजनीतिक शक्ति सामान्य रूप से प्राप्य नहीं है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन सामाजिक स्तरीकरण को दर्शाता है? तो ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, जनसंख्या की विभिन्नता को क्रमबद्धता के आधार पर सामाजिक समूहों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भूमिका विन्यास को दर्शाता है? वह पद स्थिति का व्यवहारिक पक्ष है, एक व्यक्ति एक से अधिक भूमिका निभाता है, वह एक भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है, पद स्थित और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भूमिका विन्यास को दर्शाता है, कौन सा कथन इसमें भूमिका विन्यास को दर्शाता है? तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा, वह एक भूमिकाओं का झुंड है और दो तरफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए? इमाल दुर्खी, मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कांत। सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह समझना चाहिए, ये इमाल दुर्खीम का कथन है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब में कार्ल मार्क्स का यह कथन है कि आज तक के सभी समाजों का इतिहास वर्गों के संघर्षों का इतिहास है? दास कैपिटल, क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द 18th ब्रूमायर। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जाना माना मार्क्सवादी समाजशास्त्री है? एस सी दुबे, श्रीनिवास, जी एस भूरी, ए आर देसाई। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार बताए थे? रॉबर्ट के मर्टन ने बताए थे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जात की कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? संख्या की ताकत, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति, आर्थिक, नैतिक और विधि विधान का समर्थन। प्रभु जात को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर होगा, सिमोन डी बुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विचार और सिद्धांत, संस्कृत और शिक्षा, विकास और प्रगति। सही मेल को कोड के अनुसार रखें, एक और दो, दो और तीन, एक दो और तीन, एक दो तीन चार। सामाजिक परिवर्तन के कारकों में सम्मिलित है विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी है, विचार और सिद्धांत भी है, संस्कृत और शिक्षा भी है, उद्विकास और प्रगति भी है। ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौनो प्रभाव का तात्पर्य है लिंग आधारित श्रम विभाजन, पति की इच्छा अनुसार अहम की पुनर्परिभाषा, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, पत्नी को पीटना।
भावना प्रभाव का तात्पर्य है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, पति की इच्छा अनुसार अहम की पुनर्परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने कहा था कि जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तब वर्गीय संगठन एवं संलग्नता अधिक हो जाती है। जब सामाजिक गतिशीलता की रफ्तार कम होती है तो वर्गीय संगठन और संलग्नता अधिक हो जाती है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, एंथनी गिडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज में व्यवसायिक स्थिति किस प्रकार प्राप्त होती है? उपलब्ध से, प्रदत्त से, जन्म से, इनमें से कोई नहीं। उपलब्ध से ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस ये है अगस्त कॉम्प्ट का, समाजीकरण का सिद्धांत, ये है मैक्स वेबर का एकात्मकता, और कायिक एकात्मकता दुर्खीम का है। उद्विकास का सिद्धांत ये हर्बर्ट स्पेंसर का है। समाजीकरण का सिद्धांत ये मीड, कूले, दुर्खीम इन सब का है, मैक्स वेबर का नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यही दिया है, तो इसमें राइट आंसर होगा लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस अगस्त कॉम्प्ट। 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है, प्रकारवादी समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव यह है कि यह अंतर संबंधित भागों का समूह है जिनके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। और कारण दिए गए हैं, परिवार एवं धर्म शरीकी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जाता है। ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है, आर सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो प्रकारवादी समाज को एक व्यवस्था के रूप में देखता है जिसका भाव यह है कि यह अंतर संबंधित भागों का समूह है जिसके समुच्चय से समग्रता का निर्माण होता है। क्योंकि परिवार एवं धर्म शरीकी संस्थाओं का विश्लेषण एकाकी इकाइयों के बजाय सामाजिक व्यवस्था के एक अंग के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से क्वेश्चन दिया गया है। निर्जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। और कारण दिए गए, परंपरा के पुनर्निर्माण के इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। इसमें ऑप्शन में है ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए गलत है मगर आर सही है। राइट आंसर बताइए। निर्जातीयता के विकास में परंपरा का पुनर्निर्माण एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये ऑप्शन गलत है। परंपरा के पुनर्निर्माण का इस्तेमाल राष्ट्र निर्माण तथा आर्थिक विकास के औजार के रूप में किया जा सकता है। ये ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर है ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन एक दूसरे से संबंधित है, इन्हें अग्रता क्रम अथवा अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, खंडीय समाज व्यवस्था, असमान लाभों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, संपत्ति की भिन्नता।
कूट में है 1 2 3 4, 2 1 4 3, 3 4 1 2, 4 3 1 2। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा संपत्ति की भिन्नता, असमान लाभों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण, मौलिक जीवन अवसर की ओर असमान पहुंच, खंडीय समाज व्यवस्था। 4 3 1 2, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकार्यवादी के क्षेत्र में अंशदान देने वाले निम्नलिखित चिंतकों को काल क्रम अनुसार सही क्रम में चिन्हित करें। पार्सन्स, मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर। मर्टन, दुर्खीम, स्पेंसर, पार्सन्स। पार्सन्स, स्पेंसर, दुर्खीम, मर्टन, स्पेंसर, दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन। प्रकार्यवाद के क्षेत्र में अंशदान देने वाले, सबसे पहला स्पेंसर आते हैं, फिर दुर्खीम, पार्सन्स और मर्टन। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उस क्रम में प्रस्तुत करें जैसे टैलकॉट पार्सन्स ने अपने समाज व्यवस्था के सिद्धांत में दिया था। अव्यक्तता, एकीकरण, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति। तो सबसे पहले अनुकूलन होगा, फिर लक्ष्य प्राप्ति होगा, एकीकरण होगा, अव्यक्तता होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, अव्यक्तता। 3 4 2 1, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है। समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में अस्थायी तुलाती है। कूट देखकर उत्तर बताना है। कूट है, इसमें ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। व्यक्तित्व प्रणाली का सामाजिक व्यवस्था में एकीकरण, समाजीकरण तथा सामाजिक नियंत्रण के द्वारा होता है, क्योंकि समाजीकरण अभिकर्ताओं में प्रेरणा एवं दक्षता विकसित कर उन्हें भूमिका अदा करने में मदद करती है तथा सामाजिक नियंत्रण व्यक्तियों के बीच के संबंधों में अस्थायी तुलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशी समाजीकरण जन्म देती है, संघर्ष, व्यक्तित्व का विघटन, मानदंडहीनता, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। प्रत्याशी समाजीकरण डॉट डॉट को जन्म देता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में कहा जाता है। टोटमवाद, जीववाद, साम्यवाद, समाजवाद। जनजातीय समुदाय आदिमकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में टोटमवाद कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें तथा सही वक्तव्य को चुनें। सारे अंतःक्रियावादी सिद्धांत जीएच मीर द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। अंतःक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घटित करता है। एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, 2 और 3 सही, उपरोक्त सभी सही। सारे अंतरक्रियावादी सिद्धांत जीएच मीर द्वारा दिए गए सैद्धांतिक संश्लेषण से कर्षित हैं। अंतरक्रियावादी सिद्धांतीकरण विविधता को नहीं बल्कि एकता को उद्घटित करता है।
एक सैद्धांतिक परिदृश्य के रूप में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के बारे में कोई सुस्पष्ट विवाद नहीं है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं को निम्नलिखित में किस क्रम में दिया है? लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, अनुकूलन, पैटर्न कायम रखना। अनुकूलन, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्त। अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, एकीकरण, पैटर्न कायम रखना, लक्ष्य प्राप्त, अनुकूलन। पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली के प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाओं के बारे में जो बताया है उसका सही क्रम बताना है। तो अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्त, एकीकरण और पैटर्न कायम रखना, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आवश्यकता पद के स्थानापन्न के रूप में अस्तित्व की आवश्यक शर्तों पद के तर्क में पक्ष दिए पद के पक्ष में तर्क दिया है? लेवी स्ट्रॉस, ब्राउन, नॉडल, दुर्खिन। अस्तित्व की आवश्यक शर्तें, ऑप्शन 2 राइट आंसर है। रेडक्लिफ, ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से वियतनाम युद्ध के समय अमेरिकी समाज सक्रियशील नहीं था। यह ऑप्शन गलत है। युद्ध समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। यह ऑप्शन सही है। लेविस कोजर ने कहा था कि संघर्ष समाज में आंतरिक एकजुटता लाता है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर। ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उदाहरणार्थ, सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए, सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, चार सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए। राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेबर की कृतियों का समाजशास्त्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव था, सामाजिक कृत्य के तात्विक मिशन के लिए। यह ऑप्शन सही है। और सामाजिक कृत्य की संरचना को संशोधित करने के लिए, यह ऑप्शन सही है। चार सार्वभौमिक प्रकार्यात्मक आवश्यकता, ये तो पार्सन्स का है। सामाजिक संरचना के विश्लेषण के लिए रणनीति, ये दुर्खिम और स्पेंसर का है। और इसका राइट आंसर होगा 1 और 4। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस कोजर निम्नलिखित में से किसका लेखक है? आउट ऑफ यूटोपिया, क्लास एंड क्लास, कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, इन्होंने संघर्ष के प्रकार पर बात किया था। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अनुकूलन परिवार, प्रजनन परिवार में विभेद किसने किया था? मॉर्गन, वार्नर, मैकाइवर, मर्डॉक। राइट आंसर बताइए। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन और फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, राइट आंसर क्या होगा? अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में विभेद किसने किया था? ऑप्शन 2 राइट आंसर है, वार्नर ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, नीचे कोड दिया गया है, कोड देखकर आंसर बताना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। स्पेंसर ने सामाजिक डार्विनवाद। और लेटेंट फंक्शन ये है अन इंटेंशनल एंड अनकॉन्शियस। मर्टन का है सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। तो इसका राइट आंसर होगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, 4-3-2-1। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक नहीं होते, एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह ये एक दूसरे से पृथक नहीं होते, ये तो गलत है। एक दूसरे से पृथक होते ये भी गलत है। एक दूसरे से जुड़े होते हैं और सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। ये ऑप्शन दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।